ए, कौन हो तुम? पहचाना नहीं? मैं हूं। मैं कौन? कृष्ण। किशन? किराया का मुकुट पहन के कोई किशन बन जाता है? कौन सी ड्रामा कंपनी में काम करते हो? पहले ये बताओ, तुम ऊपर कैसा है? मेरे लिए ऊपर नीचे आगे पीछे सब बराबर है। जो हर जगह मौजूद हो उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो अपने पांव हिलाए बगैर तुम वहां से यहां पहुंच कर दिखाओ। अब यहां आकर बताओ। चलो एक मिनट के लिए मान लेता हूं तुम सचमुच के किशन भगवान, लेकिन एक बात बताओ, इतनी रात गए तुम अपना वैकुंठ छोड़ के इस गरीब के झोपड़े में क्यों पधारो? मैं अपने पैसे मांगने आया हूं। कौन से पैसे? वही जो तुमने मेरी हुंडी से निकाले हैं। अरे भाई, वो रुपया मैंने कमाया, मैंने अपनी बीवी को दिया, उसने हुंडी में डाला, मुझे जरूरत थी मैंने निकाल लिए, उसमें कौन सा अनर्थ हो गया? अनर्थ रुपया निकालने में नहीं, तुम्हारी मैं में है, मेरा में है। तुम्हारा अहंकार ओंकार से ज्यादा ऊंचा गूंजता है। देखो, ये अहंकार और ओंकार के झंझट में मुझे मत डालो, सीधी बात करो, हम बैंक में रखा हुआ अपना रुपया निकाल नहीं सकते? रुपया तुम्हारे हिसाब में जमा हो तो तुम निकाल सकते हो, परंतु तुमने दूसरे के हिसाब में जमा किया हो तो तुम नहीं निकाल सकते। ये रुपया मेरे नाम में जमा था इसलिए मेरा हो गया। कितना आसान है इस तरह हंस के कहना वो रुपया मेरा हो गया। अरे उनसे पूछो जिन्हें रुपया कमाना पड़ता है, जिन्हें हर रोज मरना पड़ता है अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए। काश एक बार तुम कलयुग में पैदा हुए होते, और वो भी आज के जमाने में, किसी अमीर के घर में नहीं, एक गरीब के झोपड़े में, और तुम्हें भी हाथ में राशन कार्ड लेकर आधा दिन घासलेट की लाइन में और आधा दिन गेहूं की कतार में खड़ा रहना पड़ता, और शाम को दुकान बंद हो जाती तुम्हारी बारी आए बिना, तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होता। राज, गरीब जीता है तो एक टुकड़ा रोटी का नसीब नहीं होता पेट भरने के लिए, मरता है तो चार घेरा कपड़ा हाथ नहीं लगता कफन के लिए। तुम क्या जानो गरीबों का दुख दर्द? संसार का हर दुख मेरा दुख है। पिता हमस्य जगतो माता थाता पिता महा। ठहरो 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 ठहरो, ये संस्कृत के उल्टे सुलटे श्लोक सुना के मुझे उलझाओ नहीं, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मुझसे सीधी सादी हिंदुस्तानी भाषा में बात करो जो मैं समझता हूँ। ये सारा संसार मेरा परिवार है, इसका पिता भी मैं हूँ, माता भी मैं हूँ, विधाता भी मैं हूँ। अच्छा विधाता जी, इतना मुझे बताओ, तुम अपने एक बेटे को अमीर और दूसरे को गरीब क्यों बनाते हो? चुप क्यों हो? मेरे सवाल का जवाब दो। वो गरीब और अमीर बनते हैं अपने पिछले कर्म से, उन्हें जन्म मैं देता हूं परंतु उनका भाग्य लिखते हैं उनके अपने पुण्य अपने पाप। अच्छा अच्छा, वो अमीर और गरीब बनते हैं अपने पिछले कर्मों से। वाह, अच्छी कौड़ी फेंकी है। आनंद, तुम्हें समझाने के लिए मैं इंसान के जीवन को एक बैंक कह सकता हूँ, कर्मा बैंक, जिसकी किताबों में दो खाने होते हैं, एक पिछले जन्म में किए हुए पुण्य का, दूसरा पाप का। आदमी को जो सुख मिलता है वो पुण्य के खाते से मिलता है, और जो दुख मिलता है वो पाप के खाते से। ये बैंक का भाषण छोड़ो महाराज, काम की बात करो। मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हारे इस पाप और पुण्य के खाते में मेरा क्या हिसाब लिखा है? मुझे देना कितना है और लेना कितना है? वो मैं कैसे बताऊं? क्यों, फिर कैसे भगवान हो तुम? तुम्हें इतना बता दूं, तुम्हारे कितने पापों का हिसाब अभी बाकी है तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा आनंद, और तुम्हें ये मालूम हो जाए तुम्हारा कौन सा पुण्य तुम्हें क्या फल देने वाला है तो तुम मन की शांति खो बैठोगे। अब तुम्हें एक ही दुख है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। दुखों का असली जुलूस तो उस समय शुरू होगा आनंद, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा। किशन महाराज, एक बार पैसा आ जाने दो मेरे पास, फिर तुम देखना दुखों के जुलूस खत्म हो जाएंगे, खुशियों की बारात निकलेगी मेरे घर से। मैं तुम्हें दिखा दूंगा रुपया क्या होता है, रुपये की ताकत क्या होती है। ताकत तो हम देख ही लेंगे, परंतु इस समय इतना तो बता दो, रुपया आने पे तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को ऊंची से ऊंची शिक्षा दूंगा। शिक्षा तुम दोगे? हाँ मैं। और रुपया आएगा तो क्या करोगे?
मैं अपनी लाडली बेटी की शादी करूंगा ऊंचे से ऊंचे घर में, जहां दौलत की ठंडी छांव में वो सुख से रहे। अच्छा, तो तुम अपनी बेटी के सुख का ठेका भी ले सकते हो तुम? हाँ मैं। अच्छा, उसके बाद और रुपया आएगा तो क्या करोगे? और मिलेगा तो मैं चलने फिरने के लिए अपनी टांगे नहीं तोड़ूंगा, एक फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन गाड़ी में जाऊंगा। बस नहीं नहीं, फिर मैं जमीनें खरीदूंगा, जायदादें हासिल करूंगा और फिर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दूंगा तुम्हारे आकाश को छूती हुई। और रुपया आएगा तो क्या खरीदोगे? तो मैं सारी दुनिया खरीदूंगा। और फिर तुम्हें भी? मुझे भी? हाँ तुम्हें भी। तुम्हें खरीदना तो और भी आसान है कृष्ण महाराज, तुम तो रोज बेचे जाते हो अपने मंदिरों में, बाहर तुम्हारा प्रसाद बिकता है, अंदर तुम्हारा दर्शन बिकता है। जो बड़े बड़े टिकट खरीद सकते हैं उन्हें सीधा तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया जाता है, और जो बेचारे गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो घंटों बाहर खड़े रहते हैं, और जब वो तुम्हारे पास पहुंचते हैं तुम्हारी एक झलक भी नहीं देख पाते, उन्हें धक्के देकर आगे हकल दिया जाता है। यही तुम भूल कर रहे हो आनंद, जो बड़े बड़े टिकट खरीद सकते हैं वो सिर्फ मेरी मूर्ति को देख पाते हैं, जो पैसा नहीं भक्ति लेके आते हैं मेरे पास उन्हें मूर्ति के नहीं मेरे दर्शन होते हैं मेरे। बुरा न मानो तो एक बात कहूँ कृष्ण महाराज, तुम दर्शन भक्तों को देते रहना, मेरे पास तुम सिर्फ दौलत भेजते, सिर्फ दौलत रोकड़ा। अच्छा, तो सिर्फ दौलत चाहिए ना तुम्हें? हाँ। दौलत तुम्हें मिल जाएगी। नहीं, कब? बहुत जल्दी। अच्छा, कितनी? वो तुम मिलने पर तुम्हें मालूम हो ही जाएगा, पर इतना तो बता दो मुझे क्या दोगे? कमीशन है? कमीशन? तुम भी एजेंटी का धंधा करते हो क्या? क्यों, ये मंदिरों में सोने चांदी के अंबार लगे हुए हैं वो काफी नहीं है तुम्हारे लिए? खैर, अगर तुम उतर ही आए हो सौदेबाजी पर तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें 1,050 दूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है, परंतु आनंद तुम अपने सौदे से पलट नहीं जाना, और याद रखना हुंडी का हिसाब अलग होगा, कमीशन का अलग। ठीक है, वादा मत भूलना।